अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंग्लैंड में हल निकाल लिया गया है, जितने भी लोग हैं जो एनएचएस में काम करते हैं, नेशनल हेल्थ सर्विसेज में डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं, उनको किस तरह ट्रिब्यूट पेश करें। तो थर्सडे वाले दिन 8 बजे, आज भी थर्सडे, 8 बजे 8 PM सारे अपने घरों से बाहर निकलते हैं। जो जहाँ पर होता है वो एनएचएस और जो भी की वर्कर्स हैं उनके लिए क्लैप करता है। एक बहुत अच्छा एक ये वे है एप्रिसिएशन का। अब आप देखें टावर, लंदन ब्रिज, सबको एनएचएस का लोगो ब्लू एंड वाइट है। और आप ये देखें, ये मैडम टसॉट है, हैशटैग लाइटेड ब्लू। तो बहुत अच्छा एक मुझे लगा कि आपको दिखाऊं। और ये देखें, ये भाई हैं, साउथ कोरिया में होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कोरोना कितना ज़्यादा डेंजरस है बच्चों के लिए भी और हर तरह के लोगों के लिए। तो इन्होंने हल ढूंढ लिया अपने बेबी को बाहर वॉक पे लेके जाने के लिए। तो उन्होंने एक बॉक्स बनाया और अभी आप ये देखें बाहर जा रहे हैं। अच्छा, लंदन में एक जगह है एक्सेल लंदन, जहाँ पे बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होती हैं, जैसे पाकिस्तान में एक्सपो सेंटर है, इसी तरह ये यहाँ पर है। और 4,000 लोगों की यहाँ पे फैसिलिटी तैयार की गई है। But if I tell you that to run one ward, including all of our ancillary staff who are just as important to us, you know, without our cleaners and our admin staff, we can't open. We need 200 members of staff. So I appreciate that everyone wants to focus on doctors. अच्छा, इस हॉस्पिटल को मेनली जो है आर्मी प्रिपेयर कर रही है और इनको तकरीबन 16,000 मेंबर्स आई हैं इसको रन करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है।